किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ना बुवाई का टाइम आ गया है। अधिकतर किसान 15 फरवरी के बाद गन्ना बुवाई शुरू कर देते हैं और मार्च के महीने में लगातार गन्ना बुवाई चलती रहती है। तो किसान अभी से जो अपनी फसल, जो खेत खाली हो गए हैं, उनको भूमि को पूरी तरह से तैयार करने लगे हैं बुवाई के लिए। तो बुवाई से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र के बारे में कि बुवाई करने से पहले और खेत की कटाई तक हमें गन्ने में किन किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और किस मात्रा में इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका शुगर कैन फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त नवाब अली। तो जो भी किसान मित्र चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में बहुत हम खास फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे कि किसी भी खेत में हम बुवाई करने से पूर्व, जब हम कोई भी फसल की बुवाई करते हैं, उससे पहले जो हम अपने खेत की तैयारी करते हैं, तो हमें सोइल हेल्थ के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सोइल हेल्थ हमें पता होगी कि हमारी सोइल की हेल्थ कैसी है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है, तभी हम उसमें अगली खेत की तैयारी करके बुवाई करेंगे। हम बात करें फर्टिलाइज़र की कि किन फर्टिलाइज़र को हम अपनी फसल में कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले हमें अपनी सोइल टेस्टिंग करनी होगी। सबसे पहला तरीका है कि किसी भी फसल को बुवाई से पूर्व अपने खेत की सोइल टेस्टिंग करा ली जाए, क्योंकि सोइल टेस्टिंग से हमें पता चलेगा कि हमारी जो भूमि है, वो भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने खेत को पोषक तत्व देंगे। अगर हम अंधाधुंध यूरिया का, SSP का, MOP का, डाई का, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने हमें कि हमारी ज़मीन को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम सबसे पहले उसको वो चीज़ दें, तभी उसको ज़्यादा फ़ायदा हमारी फसल उससे ले पाएगी ज़मीन से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि कोई भी खेती करने से पहले आपको सोइल टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। सोइल टेस्टिंग में अगर आपके खेत के pH की अगर हम बात करें, तो pH आपके खेत का अगर 7 से 7.5 है, तो pH आपके खेत का बहुत अच्छा है, उसमें आपकी सोइल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑर्गेनिक कार्बन की अगर हम बात करें, तो गन्ने की खेती के लिए स्पेशल आपको 0.5 से लेके 0.7 तक ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अगर लो है तो आपकी जो सोइल है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब हम बात करते हैं बैलेंस फर्टिलाइज़र की, कि बैलेंस फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और कैसे हमें फसल में यूज किए जाते हैं। तो बैलेंस फर्टिलाइज़र किसान मित्रों वो होते हैं जो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी फसल को देते हैं, कि जैसे कि एक फसल को आपके नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कि इस फसल को हमारी नाइट्रोजन मान लेते हैं कि जैसे कि 50 kg चाहिए, फास्फोरस हमारी 60 kg चाहिए, तो ये एक बैलेंस, एक क्या एक सिस्टम होता है बसंतकालीन गन्ना बुवाई में। तो गन्ना बुवाई के लिए किसान भाइयों 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो बुवाई से लेकर कटाई तक हमें इस्तेमाल करनी है। और अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की, ये एक हेक्टेयर के लिए ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। अब हम बात, जैसे कि हमने बता दिया आपको कि नाइट्रोजन हमें 180 किलोग्राम चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन 180 किलोग्राम आपको मार्केट में डायरेक्टली नहीं मिलती है। उसमें क्या होता है कि आप मार्केट से यूरिया खरीदते हैं और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से और प्रति बीघे के हिसाब से मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। तो हम बात करते हैं 130 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम MOP, ये आपके एक एकड़ गन्ना फसल के लिए बहुत अच्छा एक बैलेंस फर्टिलाइज़र की डोज है। हम बात करें बीघे की, तो हमने जो यहाँ बीघा लिया है, एक हेक्टेयर में 12 बीघा यानी कि एक हेक्टेयर हो गया, तो हम एक बीघे की बात करेंगे। अगर आपके यहाँ बीघे का साइज छोटा या बड़ा है, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करना। जैसे कि सिंपल मैंने आपको बता दिया कि हमने जो 12 बीघे का एक हेक्टेयर हमारे यहाँ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन निकाली है, तो 20 से 25 किलोग्राम आपके यूरिया की ज़रूरत आपकी गन्ना फसल को होने वाली है और लगभग 14 से 15 किलोग्राम DAP की। और अगर बात करें MOP की, तो 8 से 10 किलोग्राम MOP आपके खेत के लिए पूरा परफेक्ट है। ये आप एक बीघे के हिसाब से आप अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हम जब दुकान पर जाते हैं शॉप पर, तो आप वहाँ पर MOP खरीदेंगे, SSP खरीदेंगे, यूरिया खरीदेंगे, ना कि नाइट्रोजन फास्फोरस, वो आपको एक फिक्स क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। तो फिक्स क्वांटिटी भी मैंने आपको फसल की बता दी है। अगर हम बात करें यूरिया किस वक्त हम फसल में कैसे कैसे देना है, तो गन्ने की खेती में जो है, जो हमारा 180 kg नाइट्रोजन होता है, तो यानी कि उसका 1/3 भाग हमें जो है बुवाई के समय देना है और बाकी बचा 2/3 भाग हमें दो पार्ट्स में करके अपनी खेती में इस्तेमाल करना है। लगभग 60 दिन के बाद और 120 दिन तक हमें टोटली अपने यूरिया का इस्तेमाल कर लेना है। यूरिया में अगर
किसान मित्रों आप नहीं चाहते कि यूरिया को आप नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का ही इस्तेमाल करें, तो आपके पास और भी विकल्प हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी खाद में 40% तक नाइट्रोजन होती है। अगर हरी खाद अवेलेबल नहीं है तो आप आलू का जो हरा चारा होता है, जिसको किसान मित्र अक्सर जानवरों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या खेत से निकाल कर खेत के कहीं साइड में उसको डाल देते हैं, तो उसको आप हरी खाद के रूप में नाइट्रोजन के रूप में अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी लगभग 2-3% तक नाइट्रोजन होता है। अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर की, जैसे कि एसिटोबैक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोबैक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें 10-15% तक नाइट्रोजन आपको खेत में मिल जाएगी। तो अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको यूरिया की डोज कम कर देनी है। करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस में भी आपके पास कई और भी विकल्प हैं, जैसे कि आप SSP का इस्तेमाल कर सकते हैं, PSB कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। SSP अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया से कई ज़्यादा बेनिफिट है उसमें, क्योंकि इसमें आपको कैल्शियम और सल्फर भी आपको फसल के लिए मिल जाएगी, जिससे आपकी फसल ज़्यादा यील्ड आपको देगी। सल्फर का तो आप जानते ही हैं, ये फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है और आपके फंजीसाइड में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको यहाँ SSP यूज करने से यानी कि कई सारे फायदे आप ले सकते हैं। हम बात करें अगर पोटास के विकल्प की, पोटास में और क्या विकल्प होते हैं, तो पोटास में आप डीकम्पोजर इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जैसे कि, और या फिर प्रेसमट जो मीलों से मैली मिलती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद, उन सब के इस्तेमाल करने से भी आपकी फसल को फ़ायदा मिलने वाला है। इनको इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको यूरिया की, पोटास की, फास्फोरस की मात्रा को जो केमिकल फॉर्म में आप ले रहे थे SSP MOP के थ्रू, वो सब आपको कम कर देनी है। भाइयों आपको बैलेंस फर्टिलाइजर का इस बार की बुवाई में बहुत खास ध्यान रखना है, इससे आपके गन्ने की फसल बहुत अच्छी होने वाली है। अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम जानेंगे सीड को ट्रीटमेंट करने के बारे में, कि गन्ने के सीड को ट्रीटमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इससे हमारी फसल में क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम बुवाई से पहले पहले हम आपको सारी जानकारी बुवाई की देने वाले हैं, तो आप भी अगर वसंतकालीन गन्ना बुवाई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अपने किसान भाइयों के साथ शेयर, क्योंकि ये बहुत काम की जानकारी है आपके और आप सभी किसान मित्रों के लिए। तो सबको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।